हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मेरे साथ है आयुष, जो करंटली ईवाई में है एज अ कंसल्टेंट, स्पेसिफिक कंसल्टेंट आई वुड से। एंड टुडे वी हैव वन न्यू गेस्ट, मनोज सर, जिनको 8 इयर्स एक्सपीरियंस है, यू कैन से टीसीएस में 4 साल, एंड देन पोस्ट एमबीए करने के बाद वोडाफोन में एज अ बिजनेस एनालिस्ट है, प्योर बीए रोल में है। और आयुष जो मैंने बोला वो एज अ फंक्शन कंसल्टेंट है इन SAP SD मॉड्यूल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज मैं सबसे पहले मनोज सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार वो अपने का एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे वो TCS में एज अ डेवलपर, जिसको हम सिस्टम इंजीनियर, से MBA करने के बाद कैसे BA रोल में, और उनका इंटरेस्ट कैसा आया, और एग्जैक्टली होता है, एक BA होता है, एक कंसल्टेंट होते हैं, फंक्शनल कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट, थोड़ा सी डिफरेंस और यू कैन से कंफ्यूजन ये आज सॉर्ट आउट करने वाले हैं मनोज सर। ओवर टू यू मनोज सर। आप, आई वुड रियली हैप्पी कि आप हमारे चैनल पे आए फर्स्ट टाइम। आज मैं रियली इंटरेस्टेड हूँ कि आपकी जर्नी सुनने के लिए, कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और ये BA में कैसे आना हुआ। थैंक्स अ लॉट। सो कमिंग टू द पॉइंट, मैं सिंपली बता दूं, मैंने एक्चुअली 4 साल TCS में काम किया था सिस्टम इंजीनियर, बट उधर इज अ काइंड ऑफ यू नो लिटिल बिट डेवलपर का रोल था। बट अराउंड 3.5 ईयर बाद तो मेरे को रियलाइज हुआ कि थोड़ा और पोटेंशियल है, कुछ और करना है, तो देन आई मूव फॉर द MBA। तो मैंने फिर MBA किया, और MBA के बाद क्या है कि आपको मैनेजमेंट डिग्री लेने के बाद आपको एज मिल जाती है टू मूव फर्दर अहेड इन योर कैरियर। और लकीली मेरे को बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल मिली थी, तो इनिशियल मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज ए एप्लीकेशन डेवलपमेंट सपोर्ट बिजनेस एनालिस्ट। सो मेरी जो मतलब इस रोल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मतलब आपको टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट, आपकी सारी डिग्री यूज हो जाती है। पहली चीज ये है, आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, और उसको यू नो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट यू नो कंप्लीशन तक ले जाते हो, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पे होती है कि कुछ रिक्वायरमेंट गलत नहीं हो जाए, डेवलपमेंट हो रहा है वो गलत नहीं हो जाए, और एक एक चीज आपके पास होती है। तो वो तो मेरा प्योरली बिजनेस एनालिस्ट का रोल है, और टू बी ऑनेस्ट मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे को इस रोल में बहुत मजा आता है। मतलब दिस इज लाइक माई पैशन, इट्स नॉट अ जॉब फॉर मी। तो मेरे को कितना ही करा लो, और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे लोगों से भी मिला कि बिजनेस एनालिस्ट अभी है क्या। हम लोग अगर IT फील्ड में, बिजनेस एनालिस्ट किसी भी फील्ड में हो सकता है, मैं प्योरली मैं अपनी IT फील्ड में बताऊंगा, हम लोगों का सीधा सा काम है टू एनालाइज द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम में अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो हम वी यू नो टेक द फर्दर डिसीजन वेदर शू मूव ऑन द प्रोजेक्ट और नॉट। जब प्रोजेक्ट इनिशिएट हो जाता है फिर हमारा काम स्टार्ट होता है टू द रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद फिर हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, वो हमारा यू नो बैकबोन होता है। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी प्रिसाइज क्योंकि वो हर कोई यूज करता है। देन वी हैव द यू नो रिव्यू, और फिर हमें साइन ऑफ लेने हैं। साइन ऑफ के बाद फिर हमें अपनी डेवलपमेंट टीम को गाइड करना है टू मूव इन द यू नो राइट डायरेक्शन, एक वो चीज होती है। और उसके बाद फिर हमें लास्ट तक सपोर्ट करना है, और उसके मिडिल में हमें क्लाइंट से भी इंटरेक्ट करना होता है। डिलीवरी चीज होती है, डेडलाइन चीज होती है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, UAT होती है, SIT होती है। तो बहुत कुछ होता है हमारे IT फील्ड के इसमें। तो प्योरली एज अ बिजनेस एनालिस्ट अगर मैं डिफाइन करूँ कि इट्स अ रोल, अगर आप इसको मतलब अगर आप अंदर से आपको फीलिंग है कि हाँ मैं मतलब इतना रेस्पॉन्सिबल चैलेंजिंग रोल में अगर मजा आ रहा है तो बहुत अच्छा रोल है। फर्दर अगर जब आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है देन यू कैन मूव ऑन यू नो डिफरेंट कैरियर पाथ। आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, आप कंसल्टेंट बन सकते हो, आप मतलब बहुत सारे पाथ खुल जाते हैं उसके बाद। और मतलब डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हो, क्योंकि मेरे पास थोड़ी टेक्निकल स्किल्स भी थी, तो वो दैट वाज अ एज फॉर मी बिकॉज बीइंग अ यू नो फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इंडिया में एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। तो आई नो द HTML कोडिंग, क्योंकि हमारे एक प्रोटोटाइप नाम की चीज होती है वो हमको बनानी पड़ती है। तो दिस इज ऑल अबाउट माय बिजनेस। यही मनोज सर मेरा भी क्वेश्चन यही था कि एक डेटा एनालिस्ट होता है राइट, जो डेटा एनालाइज करता है। अब एक होता बिजनेस एनालिस्ट जो बिजनेस एनालाइज करता है। ओके, डेटा एनालिस्ट कह सकते हैं प्योरली टेक्निकल रोल है उसके अंदर, या तो ETL टूल्स यूज करेंगे, पावर BI, टैबल्यू, ये सब कुछ है ना। और एक बिजनेस एनालिस्ट है जो बिजनेस को एनालाइज कर रहा है, उसके पास आई डोंट थिंक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब आपने कभी ऑब्जर्व किया कि भाई ये प्रोफाइल ज्यादा अच्छी है?
मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि जो आप डेटा एनालिस्ट, जिसको हम बिजनेस एनालिटिक्स भी बोलते हैं, दैट इज अ सबसेट ऑफ बिजनेस एनालिस्ट. तो बहुत बड़ा डिफरेंस है. डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिटिक्स में आप डेटा को एनालाइज करके उसका बिजनेस में अपॉर्चुनिटी या ड्रॉबैक ये सब करके आप एक ग्राफ व्राफ बना के उसको रिकमेंडिंग कर दो. तो वहां की आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद आपको मीनिंगफुल रिपोर्ट बनानी है, उसके बाद खत्म. लेकिन बिजनेस एनालिस्ट तो बहुत वाइडर रोल है. आपको मतलब अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है और उसमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट है क्या नहीं है, प्रोजेक्ट इनिशिएट करना है कि नहीं करना है, रिस्क कॉस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीजें जो मैंने अभी बताई थी, वो बहुत ही वाइडर रोल है. डोमेन बहुत बड़ी है. डोमेन एक्सपीरियंस जो आयुष का है, उसने जिस रोल में काम किया है, उसने मतलब अभी SAP में जो कंसल्टिंग कर रहे हैं, तो उसने उस डोमेन में काम किया. आप एक फर्दर एक डोमेन में काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा. आप डेटा एनालिस्ट में आप बन सकते हो आगे जाके, बट आपका मतलब प्रोफाइल बहुत शॉर्ट हो जाता है, आपका मतलब स्कोप बहुत शॉर्ट है. और बिजनेस एनालिस्ट बहुत बड़ा है कि एक तरह से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में, क्योंकि डेटा आप गलत रिकमेंड कर सकते हो, लेकिन बिजनेस एनालिस्ट में हाँ दैट इज बेस्ड ऑन योर इंटरप्रिटेशन. कोई और उस डेटा को कुछ और करके बता सकता है, लेकिन बिजनेस एनालिस्ट में आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग वो एक बैकबोन है, आपका डॉक्यूमेंटेशन बैकबोन है, और लास्ट तक आपको यू नो हाथ पकड़ के चलना है वो प्रोजेक्ट का. जब तक डिलीवरी, जब तक गो लाइव नहीं हो जाता तब तक मैं बोलता हूँ BA बस बैठा है के भाई कस्टमर के बोलते डेवलपर के बोलते. सीरियसली मतलब हम लोगों को प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट हमसे मतलब उसको होती है, हमारे क्लाइंट हमें नहीं छोड़ता है, हमें डेवलपर हमें नहीं छोड़ते हैं, टेस्टिंग टीम हमें नहीं छोड़ती है, मतलब जितने भी रोल हैं वो हम लोग मतलब बहुत बड़े बैकबोन है इस रोल में, और मुझे बहुत सही में बहुत मजा आता है. आपने आपने अभी आज तक कभी हुआ आपके साथ क्लाइंट फेसिंग इंटरेक्शन हुआ आपका कभी? अरे मेरे को बहुत बहुत हुआ है. मैं पहले गवर्नमेंट डोमेन में करता था, बहुत बड़े बड़े तो मिनिस्ट्री में जाना पड़ता था, तो बहुत क्लाइंट से हुआ है. और सबसे बड़ी बात होती है क्लाइंट हैंडलिंग, हाउ डू यू हैंडल योर क्लाइंट प्रॉपरली. मेरा यही क्वेश्चन है आपसे, मेरा यही क्वेश्चन है हाउ टू हैंडल एंग्री क्लाइंट आई वुड से, ओके, जो सीधा मुंह पे बोल रही है क्या बकवास चीज बनाई है, या होता ना एक ऐसे इंसान को कैसे समझाएं भाई रुक जा तेरा काम हो रहा है, फिर हम अपना कह सकते हैं गुस्सा डेवलपर टीम को डाल देते हैं, या फिर ब्लेम गेम भी स्टार्ट हो जाता है. ऐसा कुछ कभी हुआ आपके साथ? तो इस सिचुएशन को कैसे? बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि मतलब बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस यू कम टू नो हाउ टू हैंडल ऑल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. तो हमारे बिजनेस एनालिसिस में एक स्टेक होल्डर एनालिसिस का एक कोऑर्डिनेट बने हुए हैं, तो मैं गूगल से देख सकते हैं. तो मतलब कौन सा क्लाइंट कैसा है, हाई इन्फ्लुएंस है, हाई इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो. बट इट्स अवर यू नो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी क्लाइंट. अगर पावर में बेस्ड है, ज्यादा हमसे वो क्या कहते हैं ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, तो हमको उसको मतलब बहुत क्लोजली हम उसको मैनेज करते हैं. कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन यू नो हैंडल करना पड़ता है बिकॉज दे आर अवर स्टेक होल्डर्स, दे आर रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट. तो ये आपको ना जैसे आप क्लाइंट इंटरेक्ट करोगे, जैसे डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलोगे आ जाएंगे. और ऐसा नहीं क्लाइंट बुरे होते हैं, दे एक्चुअली कीप ऑन यू नो फोकसिंग ऑन देयर डिलीवरी. ठीक है, तो उनको थोड़ा उससे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं उससे थोड़ा ज्यादा मतलब नहीं होता, उनको डिलीवरी चाहिए होती है. अब डिलीवरी बहुत लंबी जर्नी है, यू नो यू आर द फर्स्ट वन हु इज इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट मैनेजर. आप फंक्शनल चीजें समझ रहे हो तो वो आपसे भी डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, तो यू नो मीन हाउ टू हैंडल ऑल दिस यू नो सिचुएशन. बट मजा आता है, मैं बस यही कहूंगा. तो क्या हम अपने स्टेक होल्डर्स को या बिजनेस यूजर्स को मतलब एज अ बीए झाड़ मतलब आप डांट लगा सकते हो क्या, अरे भाई रुक जा इतना क्यों चिल्ला रहा है तेरा काम हो रहा है? नहीं देखो हम लोगों का मेन काम ये होता है कि दोनों जगह से एज ए काइंड ऑफ बैलेंस बना के चलना है. दैट इज व्हाई वी बीन कॉलिंग एज अ ब्रिज बिटवीन क्लाइंट एंड आवर यू नो डेवलपर टीम. ठीक है, तो हमें उधर भी मैनेज करना होता है, इधर भी मैनेज करना होता है. यू नो डेवलपर कभी कभी बोल देते हैं कि यार नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो समझाना पड़ता है. और ये हमारी अप्रोच सही होनी चाहिए, वो लॉजिक पूछते हैं डेवलपर, राइट, इज देयर एनी वर्क अराउंड, क्या हम इसको और चीजें किसी से कर सकते हैं, उनको वो लग रहा है कि ज्यादा एफर्ट लगेगा, वो भी हमारे शोल्डर पे होता है. और उधर से आप जो क्लाइंट वाली बात बोल रहे हो कि वो हमें झाड़ रहा है, हाँ वो बहुत बार गुस्सा भी हुआ है, कभी कभी हमें भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो चलता है, वो जैसे पार्ट ऑफ योर जॉब कि हाउ डू यू हैंडल द यू नो सिचुएशन. कभी कभी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, वी हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम हायर मैनेजमेंट. तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मतलब टिपिकल एक थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबल चैलेंजिंग टास्क है, मतलब हर सिचुएशन में देखना पड़ता है. हाँ मेरे को कभी कभी डाटा भी है उसमें, लेकिन
अब वो उसको एंड चीज पे नहीं है कि वो क्या है, मैं उसको समझा नहीं सकता, बट बिकॉज आई एम द फ्रंट फेसिंग फॉर हिम तो उसको समझाना भी पड़ता है. ये सारी चीजें चलती हैं. ये ऐसा नहीं कि आप अकेले हो, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है आपके ऊपर है, यही पे प्रोजेक्ट मैनेजर होता है साथ में. एक मेरे यही पे क्वेश्चन दिमाग में आ गया चीज, एक बीए होता है, कभी आपने कोई ऐसा कुछ प्रोफाइल के साथ मिले हो, कस्टमर एंगेजमेंट मैनेजर समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई बंदे के साथ मिले हो आप या फिर ऐसा कोई रोल देखा हो? कस्टमर एंगेजमेंट मैनेजर तो अभी तक मेरे साथ हुआ या फिर नहीं है, लेकिन या फिर एस्केलेशन मैनेजर ऐसा कुछ कि आपको एस्केलेशन डायरेक्टली झाड़ मैनेजर रहा, है. आपको डायरेक्ट मैनेजर हाँ नहीं झाड़ रहा, आपको आपका मैनेजर झाड़ रहा हो, ऐसा कुछ हुआ? होता है, जैसे कभी कभी हमारी डेडलाइन बहुत शॉर्ट होती है, क्या होता है कि हम जब तक हमारे डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे तो डेवलपमेंट टीम मूव ऑन नहीं करेगी, ठीक है. अब हमारे पास इतने ही काम होते हैं कि नहीं बन पाता कभी कभी टाइम पे. अब वो बोलते हैं कि मैं तो इस पर डिपेंडेंट हूँ, अब मेरे डॉक्यूमेंट पे डिपेंडेंट हूँ. अब डॉक्यूमेंट भी मैं गलत नहीं बना सकता, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, और रिक्वायरमेंट के लिए क्लाइंट चाहिए होता है, ठीक है. तो अब क्लाइंट ही अवेलेबल नहीं है तो मैं कैसे बनाऊंगा, और गलत भी रिक्वायरमेंट नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे गैप्स होते हैं रिक्वायरमेंट में, तो सब टैकल करने पड़ते हैं. तो मैं वही बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग इज माई डॉक्यूमेंट, तो थोड़ा डाट खा लेते हैं एक रेदर देन लास्ट मेकिंग रॉन्ग डॉक्यूमेंट. लास्ट क्वेश्चन आपसे, मैं इसके बाद आयुष पे आने वाला हूँ. ओके, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है आपसे सिंपल के मैं भूल गया एक सेकंड. हाँ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि डेवलपर जैसे रोता है, ओके 90% मैं बोल सकता हूँ चलो डेवलपर रोता है कि भाई मेरे से 12 घंटे काम करवा रहे हैं यार, मैं कोडिंग बैठ के लिख रहा हूँ यार, ये 2 दिन का काम था यार, बीए पागल है यार, ये सॉरी ये तो काम 5 दिन का था, बीए पागल हो गया लगता है, सिंह दो दिन में देखो. ओके, इस मूवमेंट पे ऐसा अभी की भी आपके साथ जैसे डेवलपर 10-10 घंटे काम करते हैं, तो उसी तरह बीए 10-10 घंटे कभी काम करना पड़ता हो शायद ज्यादा इससे? देखो दो चीजें होती हैं एक्चुअली. हम लोगों का प्रोफाइल में हम लोगों का थोड़ा क्लाइंट साइड क्लाइंट फेसिंग रोल है, तो हम लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो लोग शायद नहीं एनालाइज कर रहे क्योंकि उनके पास सिर्फ उनका कोडिंग वाला चीज होती है. हम लोगों को क्लाइंट भी इंटरेक्ट करना पड़ता है, स्टेक होल्डर से बहुत मिलना पड़ता है, और रिफाइन करनी पड़ती है, रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन होती है, वेरीफाई वैलिडेशन ऑफ रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं. तो ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता कि बीए बिल्कुल बैठा रहता है. वो 10 घंटे वो काम कर रहे हैं बिकॉज, और हम लोग मीटिंग कर रहे हैं या रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं. हम लोग का मतलब रोल ही डिफरेंट है, आप कंपेयर नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, वो लोग हमको एक्यूज करते हैं, हम लोग शायद उनको कर रहे हैं क्योंकि हमें डिलीवरी चाहिए होती है, राइट. वो लोग हमको एक्यूज करते हैं कि हम लोग ज्यादा रिक्वायरमेंट लेके आते हैं, तो दिस इज पार्ट ऑफ अवर जर्नी. तो मतलब बीए को भी मतलब लॉन्ग आवर्स बैठना पड़ सकता है अगर उसकी डिलीवरी नहीं हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डिलीवरी नहीं हो रही है तो मैंने बोला ना लास्ट तक देखना होता है. हम SIT UAT आपने बनाया क्या, वो भी हमको वेरीफाई करना है, राइट. मैं गलत जाके नहीं दिखा सकता हूँ. कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने बिल्कुल ही गलत बना दिया है क्योंकि उन्होंने मुझसे डिस्कस नहीं किया, मेरे को दिखाया नहीं, टाइम नहीं था, तो वो भी मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि UAT भी मुझे ही करानी है क्लाइंट को, और फिर वो तो मेरे भी ऊपर ही आता है. मतलब मेरे क्या इस रोल में उसी के ऊपर आता है कि जो मेरा रिक्वायरमेंट था वैसा मेरी एक्सपेक्टेशन है. तो मैं मेरे दिमाग में अभी आपने एक वर्ड बोला कि मुझे करवानी होती, यही मेरे दिमाग में बिजनेस एनालिस्ट आया, डेवलपर हुआ, टेस्टिंग टीम हुई इंटरनल जो भी है, फिर घूम फिर के बीए के पास आ गया कि भाई ये लो फाइनल मेरा प्रोडक्ट, मेरा तो डेव एनवायरमेंट में या जो भी है कस्टमर एनवायरमेंट में, अभी बीए ही पर्सन कस्टमर के साथ बैठा है, भाई कर ले टेस्ट अभी जो बन गया ये, ऐसा राइट? देखो क्या चीज होती है, अगर मैंने बोला कि हमें करवानी होती है, इट्स नॉट लाइक कि मैं उसको गन पॉइंट पर करा रहा हूँ. दिस इज माय पार्ट ऑफ माय जॉब. हमारे हम लोगों के बीच में स्क्रम मास्टर होता है जिसको मैं ये रिक्वायरमेंट देता हूँ, और उसका इसका काम होता है ये सब मैनेज करना. स्क्रम मास्टर, यू कैन से प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उसका काम होता है. लेकिन सब कुछ मतलब गाइड मैं ही कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि मुझे ही रिक्वायरमेंट पता है. तो वो लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि हम उनसे काम करा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज मेरा रोल है काम कराना ही, और सही काम कराना, क्योंकि उसी काम से मेरी डिलीवरी मिलेगी. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ माय जॉब, और उनका काम है कि जो रिक्वायरमेंट है वो करना. अब कभी कभी हम लोगों का हो जाता है, ये नॉर्मल है, ये हर किसी में होता है, लेकिन अब कुछ मतलब नॉर्मल ही है ये, हर किसी भी कंपनी में जाओ आप करे, तो करे. लेकिन ये डिपेंड ऑन यू हाउ यू हैंडल योर टीम. मतलब मेरी तो आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई बिकॉज मैं समझता हूँ हाउ मच दे आर एफर्ट दे आर पुटिंग ऑन. तो मैं समझता हूँ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी की रीचिंग द सेम ऑब्जेक्टिव विद लेस एफर्ट. तो वो सब मैं कराता हूँ, वर्क अराउंड. तो
तो अगर कभी लगता है कि कुछ ज्यादा एफर्ट लगा रहा है तो मैं इसमें जो कर देता हूँ। इस समय जो वीडियो देख रहा है तो इसमें सिंपल सी भाषा में कंक्लूजन ये है कि भाई कोई इंसान बुरा नहीं होता, सिर्फ मजबूरी होती है क्योंकि उसका रोल ही वैसा है, डेवलपर का काम करना हाँ। ठीक है और बीए का काम भी अपना है, टेस्टर का काम भी। तो अगर बीच में कभी एक आधा किसी ने सुना दिया फ्रस्ट्रेशन के मामले में तो इतना दिल पे लेने वाली बात कोई नहीं आईटी में, ठीक है। वो इंसान एक सेकंड के बोल देता बट कल को भूल भी जाता, बोलता चल ठीक है ना तू भी तो इंसान मैं भी इंसान और सेम ऑर्गेनाइजेशन है, और वैसे भी किसी का किसी के साथ प्रमोशन के साथ लेना देना भी नहीं है, तो तुम बोल प्रमोशन ये खा जाएगा ऐसा करके क्योंकि प्रोफाइल ही डिफरेंट है। अभी मैं आयुष पे आता हूँ। आयुष भाई तुम्हारा एज फंक्शनल रोल आफ्टर एमबीए, ओके ये एज अ बीए से थोड़ा सा कैसा डिफरेंट है, ओके और तुम्हारा टेक्निकल से भी क्या डिफरेंट है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दो यार। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एसएपी और बीए में अंतर जो है, सबसे बड़ा अंतर यह है कि हमारी एक टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, हम लोग एसएपी में ही काम कर रहे हैं। बीए का कोई फिक्स नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर पे काम करना है, इस पे नहीं करना, तो उन लोग का वो एज इट इज जैसे प्रोजेक्ट चल रहा है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर वो डिटरमाइन होता है। और दोनों में ही डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो एसएपी हो चाहे वो बिजनेस एनालिस्ट का हो। जहां तक मैंने समझा था, क्योंकि मैंने भी इंटर्नशिप की थी एज अ बिजनेस एनालिस्ट और मैंने भी एक वर्कशॉप की थी बिजनेस एनालिस्ट की, तो उसमें यही सेम चीज मुझे समझ में आई कि बिजनेस एनालिस्ट एक काम करने का एक तरीका होता है। सही से आपको रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, आप एसएपी में भी करते हो, आप बिजनेस एनालिस्ट में भी करते हो, बट बीए आपको बताता है कि डिफरेंट वेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स, बट वॉट शुड बी द ऑप्टिमम मीन्स टेक्निक टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो। तो वही सेम चीज आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस एक तरह से बताता है बीए, तो उसके बाद आप उसको अपने प्रोजेक्ट में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिजनेस एनालिस्ट का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड है, वहीं पे है वो, एक तरह के हर टाइप के रोल में वो फिट बैठ सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, नॉट इवन इन आईटी, वो एक आईटी से बाहर भी, आप किसी भी, आप जाओ चाहे गार्टनर में जाओ, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप में जाओ, या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, मैकेंसी में जाओ, वहां सब में भी बिजनेस एनालिस्ट होते हैं। तो उनका काम होता है बिजनेस में जो भी बिजनेस प्रोसेसेस चल रहे हैं वहां पे क्या गैप्स हैं, कहाँ पे कुछ और चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं जिससे कि आपके टर्नओवर और थ्रूपुट जो होता है वो बेटर किया जा सकता है। और बिजनेस एनालिस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत ही हाई लेवल आप लोगों से मिलते हो, सीईओ सीएक्सओ सबसे मिलते हो आप। एसएपी में शायद ये पॉसिबल नहीं है, आप एक लिमिटेड प्रोजेक्ट मैनेजर और उन सब से ही आपका वो रहता है मेन जो काम रहता है, लेकिन आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशंस में आप सबसे मिल सकते हो क्योंकि उनके साथ आपको डील करना है। इनफैक्ट जो हमारी वर्कशॉप हुई थी उसमें हम लोग एक केस स्टडी दी गई थी, एंड दैट वाज अ रियल लाइफ केस व्हिच हैपेंड विद सम बिजनेस एनालिस्ट, एंड बिकॉज ऑफ वन स्मॉल मिस्टेक पूरा प्रोजेक्ट, एंड एक प्रोजेक्ट की कीमत होती है करोड़ों में, इट्स नॉट लाइक कि वो कुछ टाइम का, बहुत लोगों का घर चलता है एक प्रोजेक्ट की वजह से, और एक छोटी सी गलती के कारण वो पूरा प्रोजेक्ट लैप्स हो गया है। तो ये एक बहुत ही मींस छोटी छोटी बातें होती हैं जो बिजनेस एनालिस्ट के दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि आपकी एक छोटी सी बात भी कल को कहाँ हिट कर जाए, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सिर पे, एक छोटी सी रिक्वायरमेंट भी आपने अगर गलत ले ली तो उसके रेपरकशंस कैसे होंगे यू कांट इवन इमेजिन, क्योंकि यहाँ पे सब चीज चल रही है एसडीएलसी पे एक के बाद एक। आपने रिक्वायरमेंट पहले गलत ले ली, उसका आपने डॉक्यूमेंटेशन जो सिस्टम स्पेसिफिकेशन है वो गलत बना दिया, डेवलपर ने कुछ और समझ लिया कुछ और बना दिया, जब आप फाइनल प्रोडक्ट लेके जाते हो तब तक टाइम इतना बीत गया होता है कि क्लाइंट वाकई में गुस्सा ही करेगा, फिर उसके पास भी कुछ और बचेगा नहीं गुस्से के। दिस इज द ओनली रीजन के भाई एजाइल मेथोडोलॉजी ज्यादा मैं बोलता हूँ फेमस हुई एज कम्पेयर टू वाटरफॉल में। बिल्कुल टाइमली कैसे कैसे स्प्रिंट्स चलेंगी, शायद एक एक हफ्ते या दो दो हफ्ते की स्प्रिंट्स रहती हैं, उसमें आप धीरे धीरे आप एक एक कोड से लेते हो छोटा छोटा, आपके यूजर स्टोरीज बनाते हो, यूज केसेस बनाते हो, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू डिजाइन दोज फंक्शनैलिटी स्मॉल बिट बाय बिट, देन आफ्टरवर्ड उसी का साइन ऑफ लेते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन आप दोनों से, सबसे ज्यादा ऑन साइट कौन जाता है, बीए जाता है या फिर एक फंक्शनल कंसल्टेंट जाता है? मेरे हिसाब से जो मैंने, खैर मैंने दोनों फील्ड्स देखी हैं,
मेरे हिसाब से अगर आप थोड़े जूनियर लेवल पे देखोगे तो एज अ बीए आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ऑन साइट जाने की, क्लाइंट के पास जाने की, क्लाइंट इंटरेक्शन की। लेकिन जैसे आप सीनियर होते जाते हो, सीनियर एसएपी रिसोर्स हो गए, तो आपकी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है एज अ मींस क्लाइंट फेसिंग रोल पे। ओके ये मैंने देखा है। मैं तो ये कहूंगा इट्स प्योरली डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है। हाँ, वो आपका भी है, प्रोजेक्ट का क्लाइंट कहाँ है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको अगर बिल्कुल पास में आके रिक्वायरमेंट देनी है तो आपको जाना पड़ेगा, और कंपनी भी है तो प्योरली बेस्ड ऑन द यू नो प्रोजेक्ट। मतलब मेरे ख्याल से कंसल्टेंट और बीए के दोनों का सेम ही है, अपॉर्चुनिटी की बात है किसको कब कितनी मिलती है, किसको कौन बुलाता है, बट दोनों का रोल ही है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, वो कैसे देनी है क्लाइंट को वो डिपेंड करता है, कितनी वाइड है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, वो सब मतलब डिपेंड करता है, सब कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर है। लेकिन एज अ मैंने देखा है कि एज अ बीए गवर्नमेंट क्लाइंट से डील करना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, बिकॉज होता क्या है जहां तक तो होता क्या है गवर्नमेंट में ऊपर से ऑर्डर आ गया कि हमको ऐसी वेबसाइट एक डिजाइन करके देनी है, ऊपर से आ जाता है उनके पास, लेकिन जो वहां पे सीट पे होता है उसको कुछ नहीं पता हाई लेवल पे क्या चल रहा है, उसको तो आ गया कि भाई ऊपर से ऑफिशियल्स ने बोला है कि ऐसे ऐसे है, एक बीए आएगा तो उसको बता देना है। उन लोग के पास क्या होता है, एक बड़ा सा गट्ठर होता है ना, फाइल्स ही फाइल्स, भाई बीए देख लो जो तुमको देखना है, मुझे नहीं पता। ये तो इसमें रिक्वायरमेंट्स गैदर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये तो इंडियन इंडियन के हिसाब से कह सकते हैं, इंडियन में ठीक है, बट ऑफ कोर्स मैक्सिमम अपनी एमएनसीज में मैक्सिमम आपको भी बताया कि फॉरेन क्लाइंट्स ही रहते हैं, बहुत ही कम होते हैं कि जिनके पास इंडियन आईआरसीटीसी का या पासपोर्ट का या फिर ऐसे करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री मिल्क इंडस्ट्री उन सबका प्रोडक्ट हो, राइट। तो एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके आयुष, तुमने वो कुछ ट्रेनिंग के बारे में भी तुम बोल रहे थे कि सर्टिफिकेशन हमने डिस्कस किया था, राइट। अगर मनोज सर से भी सेम क्वेश्चन मेरा यही रहेगा अभी कि अगर जैसे मैंने तो यार पीएमपी सुना है, बट मैंने जाता मुझे याद है कि इसका कुछ सर्टिफिकेशन कॉस्ट भी 70,000 रहता है इंक्लूडिंग स्टडी मटीरियल, एंड देन उसका लिमिटेड टाइम भी रहता है, 2 साल के लिए वैलिड रहता है, कुछ 1 साल के लिए भी रहते हैं, तो वैसा करके अगर आप उसके बारे में थोड़े से और इनसाइट्स दे दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सर्टिफिकेशन की जो बात है, इसकी डिफरेंट बॉडीज हैं, दो सबसे बड़ी बॉडीज हैं बिजनेस एनालिसिस के लिए। एक बॉडी है आईएबीए जो ज्यादा ही फेमस है, ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया में फेमस है, आईआईबीए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिसिस, एंड यूरोप में आपका चलता है आईआरईबी। तो ये भी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के बेस्ड है। मैं आईआईबीए के बारे में बता सकता हूँ, मैंने उनकी एक वर्कशॉप अटेंड की थी ड्यूरिंग माय टेन्योर एज इन एमबीए, वो लगभग 1 महीने की थी, उसमें हम लोग ने एक केस स्टडी पे काम किया था, डिफरेंट डिफरेंट जैसे मॉड्यूल्स आ रहे थे इन लोग के। एक्चुअली बीए में आईआईबीए इज काइंड ऑफ लाइक बेस्ट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट इतने सालों का बहुत सारे बीएस बैठे, उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस निकाली और उन्होंने एक बुक को लॉन्च किया जिसको कहते हैं बेबॉक, बिजनेस एनालिसिस बॉडी ऑफ नॉलेज। ये एक बुक है अराउंड 300 or 400 पेजेस की, एंड इसमें सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। और इनके जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस होते हैं वो 3 लेवल्स में होते हैं, एक एंट्री लेवल के लिए होते हैं, एक मिड लेवल के लिए, थोड़े से एडवांस लेवल के लिए। एंट्री लेवल की एग्जामिनेशंस को कहते हैं ईसीबीए, एंट्री लेवल सर्टिफिकेट इन बिजनेस एनालिसिस, और जो थोड़े से और एक्सपीरियंस के लिए होते हैं लगभग मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो होते हैं सीसीबीए, एंड देन आफ्टरवर्ड्स एक और सीनियर होता है जिसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स, एंड दैट इज सीबैप, सीबीएपी। सबका कोर्स सेम रहता है, वही बिजनेस एनालिसिस बॉडी ऑफ नॉलेज बेबॉक से ही आएगा, अभी शायद लेटेस्ट वर्जन उनका चल रहा है वर्जन 3, बेबॉक V3, उसी में ही पूरा हर चीज उसी में ही से आती है। ईसीबीए में आपका डायरेक्टली जहां तक सब MCQs रहेंगे, शॉर्ट शॉर्ट डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस, सीसीबीए में थोड़ी सी आपकी केस स्टडी और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, एंड सीबीएपी में मोस्टली सिचुएशनल रहेंगे, लेकिन आपको हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस से जाना है। और अगर सर्टिफिकेशन देनी है तो सबसे बड़ा कठिन टास्क होता है, सबसे डिफिकल्ट टास्क है अनलर्न करना चीजों को। हम लोग एक इंडियन माइंडसेट में हम लोग ने बहुत चीजें इनहेरिट की होती हैं जो कि हमको लगता है सही है, बट एज अ बीए मींस अकॉर्डिंग टू बेबॉक दे आर नॉट राइट, देयर इज समथिंग व्हिच इज बेटर, व्हिच इज द बेस्ट प्रैक्टिस,
may or may not be applicable in a real life situation which you may be currently in, but for Bevoc वो बेस्ट प्रैक्टिस है. तो हमारा जो एग्जामिनेशन जो सर्टिफिकेशन होगा हमेशा बेबॉक के बेसिस पे ही होगा. ओके एक यहाँ पे इसके के ये जो एग्जाम्स होता है इसमें इंटरव्यू होता है तो नहीं? नो इंटरव्यू नहीं होता. अच्छा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों से, आपने दोनों ने एमबीए किया राइट, तो एमबीए करने के बाद ये पीएमपी या फिर जो दूसरे सर्टिफिकेशन है क्या ये करने की जरूरत है या नहीं? देखो इसका आंसर मैं दे दूंगा कि बहुत सारे लोग ये क्वेरी पूछते हैं कि मेरे को ईसीबीए करना है, सीसीबीए करना है, सीबीएफ करना है. तो अगर आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया है एज ए बीए तो आपको ईसीबीए करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी मिल जाएगी जितना आप ईसीबीए करोगे. तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप या तो सीसीबीए जाओ या सीबीएफ जाओ. और जो आयुष ने अभी डिस्कस किया था कि ये जो तीन सर्टिफिकेट होते हैं इनका डिफिकल्टी लेवल डिफाइंड होता है, तो सबसे ज्यादा हार्ड सीबीएफ ही होता है. अब जितना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल होगा उसकी वैल्यू भी मार्केट में उतनी होगी. तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं सर्टिफिकेट कर लूँ तो ये होगा. पीएमपी जो आप बोल रहे हो वो तो प्रोजेक्ट मैनेजर, वो अलग ही लाइन है. जैसे मैंने खुद एक सर्टिफिकेशन किया हुआ है स्क्रम मास्टर का, वो क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है क्योंकि मेरे को टेक्निक्स पता होनी चाहिए, ये सारी पता होनी चाहिए. तो अगर वो आपके रोल में अलाइन कर रहा है, आपके इंटरेस्ट में है, तो आप डेफिनेटली जाइए. क्योंकि सर्टिफिकेशन करना तभी यूजफुल है जब वो आपको वैल्यू एड कर रहा है राइट. अगर वो वैल्यू एड नहीं कर रहा कोई फायदा नहीं है. तो और फर्दर आयुष बता सकता है क्योंकि उसको तो ज्यादा ही पता है इसके बारे में. तो इसके ऊपर नहीं, एक्चुअली सर्टिफिकेशन की जहाँ पे बात आ रही थी, देखिए सर्टिफिकेशन जो है कभी भी नेसेसरी नहीं होता. आपकी नॉलेज नेसेसरी है लेकिन क्या होता है जॉब मार्केट में एंट्री बैरियर्स हो जाते हैं तो वहां पे सर्टिफिकेशन आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है. अभी क्या है कई कॉलेजेस हैं जिनके लिए आपको डायरेक्टली एज अ बीए आपको चांस मिल जाता है जब प्लेसमेंट होती है, तब उनमें सर्टिफिकेशन की उतनी वैल्यू नहीं है. आप उनके उस फील्ड पे जाओ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो एंड गो फॉर द एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन, डोंट गो फॉर द बेसिक वन. बट कभी कभी जैसे होता है नहीं हो पाई बीए में, आप एंट्री लेना चाहते हो, तो वहां पे आपकी एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन की थोड़ी वैल्यू हो जाती है. लेकिन अगर इफ वी स्पीक प्योरली ऑन द इंडियन पर्सपेक्टिव तो मैं सही बता दूं कि ईसीबीए की उतनी वैल्यू मैंने तो नहीं देखी मार्केट में. जहां तक मैंने देखी है सीबैप की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत अच्छे से इसको जाना जाता है, लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग इसको करते भी हैं. मोस्टली जो मैंने देखा है वो अबव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस वाले ही सीबैप को ऑप्ट करते हैं. इसका पैसा कितना खर्चा आएगा इसमें मोटा मोटा? आई थिंक $250 प्लस टैक्सेस या $300 प्लस टैक्सेस, इसी के बीच में वेरी करता है. डिफरेंट इन लोग की वेबिनार्स चलती हैं आईआईबीए की टाइम टू टाइम और इन लोग के डिस्काउंट कोड्स भी होते हैं. आई थिंक मोस्टली इन द मंथ ऑफ मार्च इन लोग के ज्यादातर आपके निकलते हैं क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है तब इन लोग के कूपन्स निकलते हैं. तो आपको थोड़ा सा $50 का आपको थोड़ा सा मिल जाता है रिलैक्सेशन. एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि आप आईआईबीए की मेंबरशिप ले लो एंड देन आफ्टरवर्ड्स गो फॉर द सर्टिफिकेशन. तो एक आपको मेंबरशिप भी अवेल हो जाएगी उनकी और सर्टिफिकेशन भी हो जाएगा एंड ओवरऑल इट वुड बी चीप अगर आप आईआईबीए से करते हो तो. ओके तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. होप आप सबको एक बीए का और एक कंसल्टेंट का और सर्टिफिकेशन का एक ओवरऑल एक आइडिया मिल चुका होगा. ठीक है अभी आप इस चीज में एटलीस्ट नोवाइस में ही रहे होगे, थोड़े से अंदर का एक आइडिया आ गया होगा इंडस्ट्री का कि क्या होता है रोल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और इसमें आप कैसे आ सकते हो. और भी क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन तो है ही आपके पास, जितने मर्जी क्वेश्चंस आप कमेंट कर सकते हो. हम कोशिश करेंगे कि भाई आयुष भाई और मनोज भाई नेक्स्ट वीडियो में जरूर आए आपके क्वेश्चंस का आंसर देने. और इसी चीज के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा. बाय बाय. थैंक यू सो मच मनोज सर एंड आयुष फॉर कमिंग. आई एम रियली हैप्पी कि आप दोनों आए दोबारा. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.